हेलो बच्चों, आज हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पर्यावरण का चैप्टर है ये, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उपलब्धियाँ। तो इस लेसन में हम बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल करी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक वैज्ञानिक या दो वैज्ञानिक के बारे में हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके इस चैप्टर में जिन जिन वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहला नाम किसका है? सुश्रुत का है। सुश्रुत का जो जन्म है वो 600 ईसा पूर्व हुआ था। 600 ईसा पूर्व हुआ था। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा का ज्ञान कराया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो मैंने यहाँ पर लिखी है और इन्हीं से ही रिलेटेड आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संसार को शल्य चिकित्सा का ज्ञान कराने वाला वैज्ञानिक कौन थे? सुश्रुत थे। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लास्टिक सर्जरी का पिता हम किसको कहते हैं? सुश्रुत को कहते हैं। उन्होंने चिकित्सा के 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। जो भी शल्य चिकित्सा में जो यंत्र काम में आते हैं, चिमटी है, फोरशिप वगैरह है, रुई है, पट्टियाँ हैं, जो भी है, उनका ज्ञान सबसे पहले किसने दिया था? सुश्रुत ने ही दिया था। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रह जाए। तो उन्होंने ही बताया था कि ऑपरेशन या शल्य क्रिया में काम में आने वाले जितने भी उपकरण हैं उनको सबसे पहले गर्म करके उनको कीटाणु मुक्त करना चाहिए, या उनको निजर्मीकृत करना चाहिए ताकि उनके अंदर जो कीटाणु है वो मर जाए और ताकि जब भी किसी का ऑपरेशन करें तो उसमें इन्फेक्शन ना हो। उन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने में विषहीन जौक का इस्तेमाल किया। तो जौक से ही रक्त का जो खराब खून जो जम जाता था शरीर में, उसको वो जौक से क्या करते थे? निकालते थे। आपको पता है ना, जौक जो होती है वो खून को क्या करती है? चूसती है। तो उस जगह चिपका देते थे और वहाँ से खराब जो खून है वो शरीर से बाहर निकल जाया करता था। सुश्रुत के द्वारा लिखी गई जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? सुश्रुत संहिता है। इसके अंदर इन सभी के बारे में बताया। और उन्होंने सबसे पहले होठ और नाक की प्लास्टिक सर्जरी करी थी, तो इसीलिए इनको हम प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं वो है कि प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहते हैं, इसके बाद में संसार को शल्य चिकित्सा का ज्ञान सबसे पहले किसने कराया? सुश्रुत ने। कितने यंत्रों की खोज करी थी उन्होंने शल्य चिकित्सा में आने वाले 101 यंत्रों की? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो भारतीय वैज्ञानिक है उनके नाम है चरक। आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य हैं। आपको पता है आयुर्वेद विज्ञान जो होती है उसमें औषधियाँ जो काम में आती है, आयुर्वेद औषधियाँ जो जड़ी बूटियों से पेड़ों का, हमने पढ़े थे ना पादप औषधीय पादप, उनसे रोगों का उपचार करने का ज्ञान सबसे पहले किसने कराया था? चरक ने कराया था। इसीलिए इनको आयुर्वेद चिकित्सा का क्या कहा जाता है? महान आचार्य कहा जाता है। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा करी थी। पाचन क्या है, उपापचय क्या है, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी? चरक ने ही दी थी। इनके अनुसार शरीर को कारण तीन दोष होते हैं। हमारे शरीर में तीन दोष कार्य करते हैं, पित्त, कफ और वात। जब शरीर में पित्त, कफ और वात में असंतुलन हो जाता है तो शरीर में क्या उत्पन्न होती है? बीमारी होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि शरीर में बीमारी उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो आप क्या आंसर बताएंगे? जब शरीर में पित्त, कफ और वात का क्या हो जाता है? असंतुलन हो जाता है, तो शरीर में क्या उत्पन्न होती है? बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। चरक संहिता इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, जो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। सबसे महान प्राचीनतम ग्रंथ है जिसको हम क्या कहते हैं? चरक संहिता। चरक की आनुवंशिकता के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व ही कह लिया था। वैसे तो हमको पता है कि आनुवंशिकता का जनक किसको कहते हैं? मेंडल को। मेंडल वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने ही आनुवंशिकता के बारे में बताया था। लेकिन उससे भी 2000 वर्ष पूर्व किसने जान लिया था? चरक ने ही आनुवंशिकता के बारे में। उन्हें उन कारणों का पता था जिससे शिशु का लिंग निश्चित होता है, यानी लड़का और लड़की के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में चरक ने 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था। इसी तरह से उन्होंने जो आनुवंशिक जो दोष होते हैं जो माता पिता से किस में आते हैं? संतान में आते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने पता लगाया था। और ये ही पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र माना था कि जब तक शरीर में हृदय धड़कता है तभी तक क्या है? जीवन है। यानी शरीर का पर हमारे जो जीवन है उस पर नियंत्रण किसका है? हृदय का है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? चरक ने ही बताया था। चरक ने उनके निर्देशन में काम में आने वाले जो
चिकित्सक थे या जो विद्यार्थी जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे उसके लिए उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे। उन्होंने क्या निर्देश दिए थे, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, यानी कोई भी रोगी उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह का रोगी हो उसका इलाज उसको तुरंत करना चाहिए। रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए, जैसे आप किसी रोग का इलाज करने जा रहे हैं चिकित्सक या जो विद्यार्थी जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो रोगी की बातों को बाहर जाकर बताएं, अरे इसको ये रोग हो गया वो रोग हो गया, ऐसे नहीं बताना चाहिए। और चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए, यानी उसको नए से नया ज्ञान प्राप्त करने के रहने के लिए तत्पर रहना चाहिए। चरक, इनका नाम चरक क्यों पड़ा, चरक शब्द का अर्थ क्या होता है, चलना। तो ये जो चरक थे वो कई हजारों किलोमीटर पैदल जा कर के रोगियों का क्या करते थे, इलाज करते थे, कई हजारों किलोमीटर तक पैदल चलते थे और रोगियों का इलाज करते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया, चरक कहा गया। तो इस तरह से आज हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है, सुश्रुत और चरक के बारे में। इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, 5 नंबर का चैप्टर है आपका, और इसमें से कि कौन से चिकित्सक ने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की उनके बारे में आपको सब पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई, तो कौन सी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में। चरक ने चिकित्सक और जो विद्यार्थी हैं जो चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनको क्या निर्देश दिए, और चरक शब्द का, इनका नाम चरक क्यों रखा गया, क्योंकि ये कई हजारों किलोमीटर तक चलकर रोगियों का इलाज करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है और जो वैज्ञानिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।